नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम कुछ टर्मों को जान लेते हैं। रेशनल नंबर्स, हमें पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? अप टू सोन, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड अप टू सोन, आगे तक नंबर्स गए हुए होते हैं। रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी हम इसे डेसिमल की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक तो बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब हम इसे डिवाइड करें किसी भी पी बाई क्यू के नंबर को तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाए? जीरो। जैसे मैंने ये केस लिया 1/2, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.5, 1 नहीं जा रहा तो एक जीरो लेंगे तो आपके पास 2 × 5 = 10, तो मेरे पास आया 0.5। यानी जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे पी बाई क्यू की फॉर्म का, दो केसेस बनेंगे, या तो जीरो बन जाएगा उसका रिमाइंडर या जीरो नहीं बनेगा। अगर जीरो बन जाएगा तो उस केस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर जीरो नहीं बनता, अगर रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, यानी कभी भी जीरो ना बने, तो उस केस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कभी भी खत्म ना होने वाला, एंड रिपीटिंग, वहां पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, रिपीटिंग को हम बोलते हैं, रेकरिंग भी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, पहले 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, नहीं जा रहा तो एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 3 × 3 = 9, तो आपके पास अगेन से 1 आ गया, फिर अगेन से जाएगा 3 × 3 = 9, फिर 1 आया, 3 × 3 = 9, तो इसी तरह रिमाइंडर क्या 1 1 1 बचता जा रहा है। आपके पास ये कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा, चाहे आप कहीं तक भी डिवाइड कीजिए। तो 1/3 को लिखा जाता है 0.333 एंड अप टू सो ऑन के लिए आप 3 डॉट यूज कर सकते हो या 3 डैसेज यूज कर सकते हो। इसे लिखा जाता है, यहाँ से देखिए क्या ब्लॉक रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, 3 3 आ रहा है ना बार बार रिपीटेशन में, तो इसे लिखा जाता है 0.33 के ऊपर हम क्या करें, बार लगा देंगे। तो ये वाला केस मेरे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। क्लियरली दो केसेस बने हैं, रिमाइंडर जीरो बने तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर कभी भी जीरो ना बने तो उस केस को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 36 को 100 से डिवाइड करना है, 100 है आपके पास, तो क्या करो, जितनी भी जीरो अपॉन में उतने के बाद आप डेसिमल लगा दोगे, पहले लिखोगे 36, 2 के बाद डेसिमल लगाओगे जीरो, तो ये बन गया 0.36। तो क्लियरली क्या है ये मेरे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर्स भी लिखते जाते हैं साथ साथ। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्लियरली 1/11 से डिवाइड नहीं होता ना, तो रिमाइंडर इस केस में क्या बन गया, 1, तो फिर क्या लेंगे आप, डेसिमल लेंगे, तो उसके बाद जीरो आ जाएगी, ऊपर भी आपके पास डेसिमल लग जाएगा। अब देखिये क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा अभी भी, तो मेरे पास इस केस में आपके पास फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस केस में 10 बच रहा है ना, तो ये हम यहाँ पे 10 भी लिख देते हैं रिमाइंडर को, तो फिर नहीं हो रहा तो एक जीरो और लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो ऊपर आ जाएगी, 11 × 9 = 99, तो ये गया 9 पे। फिर से देखते हैं रिमाइंडर क्या बचा है आपके पास, 1, तो आपके पास अगेन से 1 रिमाइंडर बच गया, पहले भी 1 आया था ना रिमाइंडर, अगेन से 1 रिमाइंडर आ गया, तो आप क्वेश्चन को यहीं पे लीव कर सकते हो और आप देख सकते हो 1 से 1 आने में कितने आपके डिजिट बने, ये वाला ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.09 बार। क्या करता हूँ इसे आगे भी आपको करके दिखा देता हूँ कि ये वाला ब्लॉक रिपीट क्यों हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक जीरो आएगी ऊपर से, तो आपके पास कितना, अभी नहीं जा रहा तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा फिर 100, नेक्स्ट जीरो आएगी तो 11 × 9 = 99, फिर से क्या आ गया आपके पास, 1 रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करते चले जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 0.09 और इसके ऊपर बार, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3 को डिवाइड करना है 13 से, टेबल मैंने साइड में लिख लिया, पहले 3 को डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बनी है 3, तो ये बन गया 30, ऊपर आपके पास 0 पॉइंट आ गया।
इसके बाद 13 टू जा 26, रिमाइंडर क्या बचा 4, 4 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद देखते हैं 40 से लेस क्या होता है 39, तो 13 थ्री जा 39, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 1, 1 पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जीरो उतारेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बन गया 10, 10 बनने के बाद देखिए 10 भी से लेस है ना, नहीं हो रहा डिवाइड, तो आपके पास क्या होगा 10 भी एक रिमाइंडर बन सकता है, और यहाँ पे ये 10 से नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक जीरो। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगेन से एक जीरो और आ गई हमारे पास नीचे, तो अब 13 7 जा 91, कितना बचा रिमाइंडर 9, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हो सकती है 9, एक नेक्स्ट जीरो आएगी यहाँ पे तो देखते हैं कितना इससे लेस 78, तो ये 6 पे जाएगा 78, तो कितना रिमाइंडर बचा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12, तो रिमाइंडर मेरे पास बना 12। इसके बाद एक जीरो आएगी तो देखते हैं कितने पे जाएगा 9 पे, 117, कितना बचा रिमाइंडर अब 3, तो 3, तो यहाँ पे देखते जाइए क्या रिमाइंडर मेरे पास रिपीट हुआ है, क्लियरली रिपीट हो गया, ये 3 था ये 3 था, तो इस 3 से 3 के बीच में जो आपके पास ये ब्लॉक बना है ये क्या हो गया रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। अगेन से अगर हम जीरो लेंगे तो फिर किस पे जाएगा 2 पे, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे फिर कितना आ जाएगा 4, तो मेरे पास एक और ब्लॉक बन जाएगा ऐसे ही 2 3 0 7 6 9, तो ये रिपीट होता चला जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास इसका आंसर क्या बना 0.23 0 7 6 9, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके ऊपर 12 आ जाएगा, तो ये आपके पास बने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना। फिफ्थ पार्ट में 2/11, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर्स लिखते जाएंगे, 11 से डिवाइड नहीं होता तो 2 मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी आपके पास पॉइंट आ जाएगा, तो 11 1 जा 11, कितने बचे आपके पास सब्ट्रैक्ट करने बाद 9 9, रिमाइंडर बच गया, एक जीरो नेक्स्ट वाली आपके पास आएगी तो ये 90 बन गया। अब देखते हैं 11 8 जा 88, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 2, तो अगेन से आपके पास रिमाइंडर पहले भी 2 आया था, फिर से 2 बन गया ना आपके पास, तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक आपके पास रिपीट होगा जो आपके पास ये बना है यहाँ पे, तो अगेन से देख लेते हैं आगे डिवाइड करके रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक जीरो आएगी फिर से आपके पास 1 पे जाएगा 11 9 0, फिर से आपके पास 8 पे जाएगा 88, फिर से आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये वाला रिमाइंडर आपके पास 2 बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास जो ब्लॉक बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा 0.18, इसके ऊपर 12 आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका 6 पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि मेरे पास 1/7 इक्वल टू दे रखा है इसके, आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, ये आपके पास रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। हमें वैल्यूज इवेल्युएट करके बतानी है 2/7 की, 3/7 की, 4/7, 5/7 और 6/7 की। देखिए 2/7 को क्या लिखा जा सकता है, आप चाहो तो 2 × 1/7 लिख सकते हो या फिर 1/7 × 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/7 बन जाएगा, तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर दे रखी है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी 1/7 की 0.142857 और इसके ऊपर बार इंटू में 2, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 आपके पास आएगा कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, अगेन से 1 आया, 2 8 जा 16 और 1 17, अगेन से 1 आया, 2 4 जा 4 और 1 5, कुछ नहीं बचा आपके पास कैरी, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और फिर 0.0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और इसके ऊपर क्या आएगी आपको बार लगा देनी है। इसी तरह सिमिलरली आप अदर भी इवेल्युएट कर सकते हो, 3/7 को लिखा जा सकता है 1/7 × 3, 1/7 की जगह क्या लिखेंगे ये अगेन से लिख देंगे इंटू 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए, आप साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आंसर आए उस पर बार लगा दीजिए, इसी तरह आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे उसके ऊपर बार लगा दोगे, फिर इस तरह 6/7 को भी इवेल्युएट आप कर लोगे। थैंक यू।